सदर महफिल और हमारे वजीर आजम और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार चंद्र रिया खान साहब, जनाब स्पीकर, हमारे अटॉर्नी जनरल मुख्तार साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुअज्जज कारकुनों, भाइयों, अजीजों और यहां रावलपिंडी से और पाकिस्तान से इस तकरीब में शिरकत करने वाले मेरे बुजुर्ग और जिसने इस तकरीब का एहतमाम किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। और फिर आप सब हजरात को जो यहां तशरीफ लाए हैं, आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त सर्व किया और सफर की तकलीफ उठाई और उसमें हम जैसे नाकाम लोगों को जिन अच्छे अल्फाज से याद किया है, मैं उसके लिए उनका बेहद ममनून हूं। इस मौके पर मेरी हमेशा मेरी दिली ख्वाहिश रही कि हम रईसुल एराब काज मिलत चौधरी गुलाम अब्बास की जाती और सियासी जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू करें, ताकि हमारी मौजूदा नस्ल का और आने वाली नस्ल का रिश्ता अपने माजी के साथ सही तरीके से कायम रखने की उसके लिए रहनुमाई मुयसर आ सके कि ये जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसका नस्लोलैन, इसका माजी, इसकी तारीख कैसे बनी, कौन लोग थे, वो क्या करते रहे, उनके ख्याल क्या थे, अकीदा क्या था, अमल क्या था, कुर्बानियां क्या दी, सोच क्या थी, ये सब चीजें आज यहां तफसील के साथ जेर बहस आनी चाहिए थी। मगर हर दफा इत्तेफाक से हर आने वाला साल ऐसी नई बातें अपने साथ ले आता है कि फिर उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और कुछ थोड़ी बात इधर होती है, थोड़ी वहां। मैं इसी तरह इस दफा हमारे दोस्तों का जो कश्मीर सेल वाले हैं, उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने कायद मिलत का एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स मुरक्कब किया है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा साल इससे और ज्यादा बेहतर तरीके से कायद मिलत के बारे में और उनकी तहरीक और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में प्रोजेक्शन होगी, इंशाला एक मुस्तक काम इस्तीफा शुरू हो गया है। कई बातें इस वक्त असल में इकट्ठी हो गई हैं। मैं तो जब बरसी का ये दिन होता है, मैं रास्ते में सरदार चंद्र साहब से भी गुजारिश कर रहा था कि मुझे दो बातें लामहला मेरे जहन पर सवार हो जाती हैं। एक तो आज मिलत चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम की वफात का वक्त और दूसरा यहां अंजुमन फैजुल इस्लाम ने जो हमारे साथ मुरव्वत की, जिसकी वजह से आज यहां हम बैठे हैं और आज मिलत का जिस्म यहां रखा हुआ है। ये दो बातें तो मैं किसी सूरत मेरे जहन पर, एक और हादसा उससे भी बहुत बड़ा हो सकता था जिसको कि अंजुमन फैजुल इस्लाम वालों ने उनकी मेहरबानी से उनकी हमदर्दी और तवज्जो से वो टल गया, जिसके लिए उनका भी मैं हर साल इल्तजामन शुक्रिया अदा करता हूं और इस बात को रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। वरना एक कौमी अलमिये से, एक और कौमी अलमिये से हम दो चार हो सकते थे। मेरे अजीजों, मैं गाजी नगर चौधरी गुलाबाद के साथ मुझे रहने का थोड़ा सा वक्त मिला है और मैंने कोशिश की उस दौरान के उनसे रहनुमाई हासिल की जाए, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश की जाए, अकीदे, नजरिए, अमल, फिक्र, सोच, उठने बैठने हर चीज के अंदर। और खुदा का कर्म है कि बड़े का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि नजर मैं अकेला, बल्कि उसने खुदा की मेहरबानी से एक और जवान साल सियासतदान रास्ते में हमारे साथ आ गए थे कि उन्होंने इस काफले को और मजीद संभाला दिया। हो सकता है कि, और मैं ये बात दिल से कहता हूं, मैं कोई जाहिर है इसमें कोई और हरज हो नहीं सकती कि सरदार सिकंदर ने जिस मेहनत से और जिस लगन के साथ काम किया है, ये ठीक है कि वो इंसान है, हमारे तरह सब लोग इंसान है और
अच्छे बुरे वक्त हर किस्म के आए, कभी मायूसी होती है, कभी नाकामी होती है, कभी परेशानी होती है, कई इंसान की जिंदगी में कई मौके आते हैं, लेकिन उन्होंने जिस मेहनत और शौक और वलवले के साथ ये काम किया, आज मुस्लिम खान पर जिस मुकाम पर खड़ी है, जिस इज्जत और एहतराम के मुकाम पर खड़ी है, इसमें मुझसे भी ज्यादा सच्ची बात यह है, ये बेइंसाफी होगी अगर मैं इसका जिक्र न करूं कि मुझसे बढ़कर सदाब सिकंदर है आप खान की तरफ से की जाने वाली खिदमत और कोशिश और जज्बा उसके अंदर शामिल है। मैं अभी एक बात उन्होंने कही यहां स्टेज पर बैठे हुए, तो मैं उससे कह रहा था कि मैं इस बात का ख्याल नहीं रखता, लेकिन ये बहुत बारीक बात है, मुझे खुशी है कि आप ख्याल रखते हैं, क्योंकि कायदे मिलत भी इन बातों का ख्याल रखते हैं, तो ये बात की मुझे बेहद खुशी है, इत्मीनान है। आज हम बहुत हद तक यानी अपने मुकामी हद तक हम सुरखरू हैं खुदा के फजल करम से कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के काफिले को जहां हमने हमारे सपोर्ट हुआ था वहां से ये आगे बढ़ता रहा है, अभी तक खुदा के फजल करम से पीछे इसको ये पीछे नहीं आया, ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई की और हिम्मत की। अब इस वक्त तो वक्त नहीं है, जुमा तो अपने खिलाफ रेलवे आजाद के साथ ही पढ़ना पड़ेगा बड़ी ताकीर से, तो वक्त नहीं रहा, तो उस समय मैं जा नहीं सकता कि पाकिस्तान के साथ यकजहती का जज्बा कितना अजीम था उनके दिल में, ये बात आज बयान करना बहुत मुश्किल है, जबकि हमारे लोग छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, अदरा की बात पर नाराज हो जाते हैं, इलेक्शन न हो तो नाराज हो गए एक बात करते हैं, इलेक्शन हो तो हार गया तो नाराज हो गए कहते हैं जी ऐसी तैसी सारी बात, ऐसी फिजा में इन बातों का जिक्र आना चाहिए ताकि हमारी जवाब साहब नजर को मालूम हो, मगर उसका इस इलेक्शन न हो तो नाराज हो गए एक बात करते हैं, इलेक्शन हो तो हार गया तो नाराज हो गए कहते हैं जी ऐसी तैसी सारी बात, ऐसी फिजा में इन बातों का जिक्र आना चाहिए ताकि हमारी जवाब साहब नजर को मालूम हो, मगर उसका इस वक्त नहीं है। तो अब दरमियान में दो तीन बातें और इस वक्त शामिल हो गई, इंतखाबात हुए आजाद कश्मीर में और बल्दियाती, वो सदर साहब ने बहुत तफसील के साथ उसका जिक्र किया है, मुझे ज्यादा जिक्र नहीं करना, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं जो मेरे दिल की बात है, मेरे अकीदे की बात है कि मैं इन इंतखाबात में जो हमें कामयाबी हासिल हुई है, ये कामयाबी कोई सरदार सिकंदर की और सरदार कयूम की फतह नहीं, ये कोई सरदार इब्राहिम खान और हयात खान और खुर्शीद साहब की कोई नाकामी या शिकस्त नहीं, इसको इस माने में लेते हैं तो तब फसाद पैदा होता है, अगर इसको अपने असल मानों में लें तो शायद फसाद नहीं पैदा होगा, और असल माने ये है कि ये कामयाबी आजाद कश्मीर में नजरिया इरहा के पाकिस्तान और एक अकीदे की कामयाबी है, किसी फर्ज की और जमात की कामयाबी है, और अगर ये शिकस्त है तो ये उन अनासर की शिकस्त है जो कश्मीर की आजादी नहीं चाहते और जो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं करना चाहते, ये उनकी शिकस्त है। मैं तो इसको इन मानों में लेता हूं, मेरा कोई जाती झगड़ा किसी सियासी सियासतदान से नहीं है कि हमने फतह होकर उनको कोई शिकायत देनी है या उनसे कोई इंतकाम लेना है, बस किस्मत यह है कि हमारी सियासत में जो नजरियाती सियासत है अभी तक रुझान यही है कि जो प्रांत उनको ये तकलीफ होती है कि सरदार कयूम तो हमारा पुराना साथी था, चलो उसकी फतह हो जाती, लेकिन एक जवान आदमी बीच में आ गया इसको कैसे फतह हो गई, हम तो इससे उनको तकलीफ होती है, तो अगर वो ये सोचे कि ये उन तमाम लोगों की फतह है जो यहां से पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं, तो मेरा यकीन है कि उनको बहुत हद तक इत्मीनान होगा, और हम इसको इसी माने में लेते हैं, हमने कोई बड़ा कमाल नहीं किया, लेकिन एक बात जरूर है कि हमें नजरिया इल्हा के पाकिस्तान को घर घर में एक एक फर्द तक, बच्चों तक, उस्तादों तक, कार्यक्रमों तक, नौजवानों तक, बूढ़ों तक, कारकुनों तक, हर जगह हमने उसको समझाने की कोशिश की है कि नजरिया इल्हा के पाकिस्तान का फायदा और नुकसान क्या, क्योंकि बात लोग छोटी सी बात पर बिगड़ के कहते हैं कि नजरिया इल्हा के पाकिस्तान का कसूर ये फरार को नौकरी नहीं मिली, तो इस तरह नजरिया इल्हा के पाकिस्तान 1985 में 84 और 85 में आजाद कश्मीर में बजाय मैं अर्ज करता हूं हकीकत नहीं, ऐसा लगता था कि इल्हा के पाकिस्तान एक जुर्म हो गया है उसका नाम लेना 84 और 85 में, आज उसी आजाद कश्मीर के अंदर नजरिया इल्हा के पाकिस्तान पर इतनी बेपनाह लोगों ने साथ दिया है कि मेरे हर किसी जमात को ऐसी कामयाबी सियासत में हासिल होना मुमकिन नहीं है, तो ये अल्लाह का करम है कि हमने आजाद कश्मीर के अंदर नजरिया इल्हा के पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ दिया, ये थी जो कायदे मिलत जो गुलाम अब्बास रईस-उल-एरार का बुनियादी मिशन, यानी इस्लाम के बाद
उनके नजदीक अगर कोई चीज अहम तरीन थी जिंदगी में तो वो पाकिस्तान के साथ रियासत के लोगों की गलती थी और इस पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, इस पर कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, इस पर वो हमें भी माफ नहीं करते थे, किसी को माफ नहीं करते थे। हत्या के जब फौत हो गए और सवाल दरभंगा पैदा हुआ, हमारे बहुत से सियासी कारगुल परेशान थे, उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद दे दो उनको, लेकिन आपने फौत होने से पहले वसीयत की कि मुझे यहां दफन करो। उनको उस वक्त इस बात का एहसास था कि जो भी गुलामबाद का वजूद पाकिस्तान में रहेगा तो वो यज्ञ की आमद बंद कर रहे। आज उसी वजह से गोशे गोशे से कारकुन यहां आते हैं और आज आके जमा होते हैं। उस शख्स की वसीयत का, उनकी अकीदे और ईमान का इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ यज्ञी का मसला उनके नजदीक कितनी अहमियत रखता था। तो कहा कश्मीर के और कश्मीर के रहने वाले मुहाजिर और गैर मुहाजिर अनसार भाई और अजीजों, यहां दोस्तों ने कहा कि हमें प्रोग्राम बताया जाए। मेरी गुजारिश एक आपसे ही है, सदर साहब ने भी उसका जिक्र किया, मेरी गुजारिश आपसे ये है बड़ी बुनियादी कि जब तक रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग नजरिया इरहा के पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहेंगे उनको तनहा कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। वो सारी मिलत को खुदा ना खासा कभी नुकसान पहुंचे तो फिर तो कश्मीर डूबे तो सभी डूब जाएंगे, उसमें तो कोई बचने की बात नहीं। लेकिन अगर रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों में किसी वक्त ये मन की तहरीकें चल पड़े, जिस तरह के एक 70 साल पर पहुंचने के बाद हमारे सियासतदान ने कहा जी हम इस पर नजरसानी करेंगे, नजरसानी कोई आपके साथ जो होगा तो उसको लेके करोगे ना, नजरसानी किस पर करोगे? कौम ने तो नजरसानी नहीं की, कौम तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो मैं यदि जो जब तक आप वाबस्ता रहेंगे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता अल्लाह के फजल करम। और एक और बात मैं आप दर्ज करता हूं, इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग वालों ने जब पाकिस्तान बनाया तो सारा जोर पाकिस्तान बनाने पर दिया, तारीख से हमें सबक सीखना चाहिए, सारा जोर पाकिस्तान बनाने पर दिया, पाकिस्तान हासिल करने पर दिया, पाकिस्तान को सलामत और कायम रखने पर जोर नहीं दिया उसी तहरीक के अंदर। ये इत्तेफाक की बात है कि वो तहरीक का जमाना था। आप इस चीज को मोर्चे को फतह करना चाहें तो बहुत कम ऐसा होता है कि मोर्चे को फतह करने के अलावा भी कोई ख्याल दिल के अंदर हो, वो उसको कायम रखने का ख्याल ब्रिटिश के कमांडरों के दिल में होता है। हमारे लिए इससे और अगर ऐसा होता, अगर मुस्लिम लीग के अंदर पाकिस्तान को कायम रखने का प्रोग्राम शामिल होता तो वैसे कि पाकिस्तान कभी बांग्लादेश नहीं बन सकता। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान बनने के बाद लोग अपने अपने काम में लग गए और दुश्मनों को मौका मिल गया कि उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों, अभी से मेरी बात याद रखो कि आपके लिए जरूरी है ये बात जैन नशीन करें कि सिर्फ कश्मीर को आजाद करा के पाकिस्तान में शामिल ही नहीं करना है बल्कि उस इराक को कायम रखने के लिए प्रोग्राम अभी से मुरतब करके रखने और उसके लिए अपने आने वाली नस्ल को तैयार करना है। हम नजर इलाके पाकिस्तान के नारे लगाते रहे और हमारे बच्चे कोई और मन की नारे लगाते रहे, यही वो वजह थी, यही बात थी कि जैसे मर्जी के पाकिस्तान में तोड़ के बांग्लादेश बनाए। हमें उसको कायम और दायम रखना है और अल्लाह के फजल करम से हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम अपनी नई नस्ल की तरबियत भी उसी रास्ते पर कर रहे हैं। हम सिर्फ इलाके पाकिस्तान की बात इस हद तक महदूद नहीं रखना चाहते कि कश्मीर आजाद हो और पाकिस्तान के साथ शामिल उस पर सीधा खत्म फिर जो मर्जी होता है, बल्कि इसको कायम रखने का यही वजह है कि हमने बहुत मुश्किल हालात में, ऐसे मुश्किल हालात में कि अगर उनमें से किसी बड़े से बड़े मुद्दे वतन को गुजरना पड़ता तो हो सकता है कि वो पता नहीं क्या क्या नारे लगाते हैं। जीएम सैयद का यही असर हुआ, जीएम सैयद पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल, लेकिन किसी आजमाई से दो चार हुआ तो उसे कहा पाकिस्तान भी कुछ नहीं और इस्लाम भी कुछ नहीं, वो सब चीज से मुनरफ हो गया। ऐसे मुजीबुर रहमान, ऐसे कई और लोग और अंदर बैठे हुए अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बात करने में अभी वजन कर रहे हैं, इधर करें बात के उधर करें वो दरमियान में फंसे हुए हैं। तो ये इसलिए है कि वो अकीदा पुख्तानी है, अकीदा ठीक नहीं है। मैं आपसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों से ये बात बरमला कहना चाहता हूं कि इस अकीदे में पुख्तगी पैदा करें, इसको किसी चीज के साथ किसी चीज पर मौकूफ न करे, किसी और चीज के साथ इसको मशरूत न करे। क्या यहां किसी ने हमसे अच्छी बात की तो हम खुश हो गए, अच्छी बात न की तो हम नाराज हो गए। इन बातों पर नजरिया इरहा के पाकिस्तान को मशरूत मत करे, इन बातों के साथ मौकूफ मत रखे, नजरिया इरहा के पाकिस्तान को अपनी असली हालत पर रखे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन जब तक इसके साथ गैरदारी से जवाबबंदी से काम करेंगे, इस पर अमल करेंगे,
उस वक्त तक इंशाला और अजीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को और कश्मीर को और पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। दूसरी बात मैं याद करना चाहता हूं कि आजाद कश्मीर में इस वक्त हिजब इख्तलाफ का जो किरदार है, इंतखाबात के बारे में हम बारह अपनी पोजीशन की वजाहत कर चुके हैं और बार बार कह चुके हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से कह चुका हूं, अपनी जगह वजीर आजम साहब से और वजीर उम्र कश्मीर से और जो मुजरा हमें मिले कि हम आप लोग आजाद कश्मीर में जाए, मालूम करें कि अपोजिशन के लीडरों को कहां चले जाए, जाकर मालूम करें कि कहां आजाद कश्मीर की हुकूमत ने धांधली की है। हम उसके लिए माजरत करेंगे और उसका रद्द करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर धांधली यह है कि लोगों ने वोट नहीं दिए लोगों को, तो उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं? धांधली का मेरे पास कोई इलाज नहीं, और उन्होंने अगर खुद काम नहीं किया तो इसका मैं क्या इलाज कर सकता हूं? उसमें साहब ने भी बताया था, उन लोगों ने काम नहीं किया, वो तो कत्ल भारत की बात करते रहे, इलेक्शन रुकवाने की बात करते रहे, फिर वोट जिस तरह लोग उनको देते। तो इसलिए हम अपनी पोजीशन की वजाहत कर चुके हैं, ये हमारी तरफ से खुला चैलेंज। मेरा ख्याल है कोई जमहूरी हुकूमत दुनिया में ये चैलेंज देने की जरूरत नहीं कर सकती। हमारी तरफ से खुला चैलेंज है, अखबार नवीस आजाद चले, अखबारों के मालिक चले, सियासी कारकुन चले, बजाय लाहौर में बैठ के एक बड़े सियासी कारकुन ने कहा कि हम खुद जाएंगे आजाद कश्मीर में और तहस नहस कर देंगे। वो बड़े शौक से तहस नहस तो बाद में करें, आजाद कश्मीर में चूड़ियां किसी ने नहीं चली हुई है, वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन आजाद कश्मीर के लोगों ने तो जंग लड़के वोट खड़ा किया हुआ है, उसको पता नहीं है क्या इस बात का। तो वो जाके देखे, अगर कहीं खुदा ना खास्ता हमारी कोई गलती है तो तहस नहस करने की जरूरत नहीं, हम खुद उसको तस्लीम करने के लिए तैयार। लेकिन यहां बैठकर मैं पाकिस्तान के लोगों से खासतौर पर कहना चाहता हूं अपने भाई कि यहां पाकिस्तान में बैठकर आजाद कश्मीर के अंदर लापानूनियत की हिमायत न करें। लापानूनियत की हिमायत करने से किसके हाथ मजबूत होते हैं, यह हर मुल्क वतन पाकिस्तानी को समझ आना चाहिए। आजाद कश्मीर में लापानूनियत हो जाए तो उसको रोकने का फिर कोई तरीका बाकी नहीं होगा, और उसका फायदा किसको पहुंचेगा? इसके बजाय सीधा क्यों नहीं कहते हिंदुस्तान को, क्या हो हमला करो आजाद कश्मीर पर, या फिर लोगों का कुछ तो खून क्यों करवाना चाहते हो? तो मैं अदब से कहना चाहता हूं इन लोगों से जो यहां दूर बैठे हुए हैं, वो पार्टीबाजी की बुनियाद पर या किसी और दिलचस्पी की बुनियाद पर बातें न करें, बल्कि जाके देखें आजाद कश्मीर में। हमने आजाद कश्मीर को सील नहीं किया हुआ किसी के लिए, हर रेलवे जब जा रही थी तो मैंने कहा हमारे पास आए चाय किए, उनके लिए सब इंतजाम हमने किए, उनके सहूलत के रिहाइश के हर चीज के इंतजाम किए, हमने से कोई बहुत से काम नहीं है। उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए सिकंदर साहब ने ऐसा खतरनाक इकदाम किया, खतरनाक इस लिहाज से कि उससे हुकूमत पाकिस्तान हमसे नाराज हो सकती। उन्होंने कानून में तब्दीली करके तलाक का निशानों को दिया कि इस निशान की वजह से शायद लोग इनको वोट दें, अपने नाम पर तो नहीं देते लेकिन शायद वोटों के तलवार के निशान की वजह से लोग वोट दें। जब लोगों ने वोट नहीं दिए तो इसका हम क्या इलाज कर सकते हैं? और ये मैं भर वहां कह दूं कि इस किस्म की आफा तफरी से बंदूक का जोर दिखाकर आजाद कश्मीर में हमसे हुकूमत तो दरकनार, एक इंच जमीन की कोई नहीं ले सकता। अल्लाह के फजल करम बंदूक के जोर को हम नहीं मानते किसी का। हम इंडिया की वहां 10 डिग्री बहुत खड़ी है, उसको भी खतर में नहीं लाते बंदूक के रोक नजर से, तो कोई और माही का नाम कौन है जो बंदूक का जोर दिखा सकता है? हमें बंदूक के जोर से नहीं, आकाश से, इंसानियत से, शराफत से, भाईचारे से, उसके दरवाजे खुले हैं। इंतखाबात से हर शरीफाना रास्ता हमारे नजदीक जब खुला है तो फिर उसको बंद करके गैर शरीफाना तरीके इख्तियार करने की क्या जरूरत पेश आ रही है? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आए आजाद कश्मीर में देखें, हमारी तरफ से पूरा चैलेंज है कि अगर हमने कोई ज्यादा की हो, कोई धांधली की हो, कोई बदयानती की हो, जो मारूफ तरीके हैं, तो हम उसके लिए इंशाला उसका अदारा करने की हर मुमकिन हर शख्स को उसकी जमानत देने के लिए हम तैयार हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी कोई मुश्किल नहीं पैदा करना चाहते। हम हुकूमत पाकिस्तान के वो टूटे फूटे लूले लगे नारायण दोस्त नहीं बन के रहना चाहते कि हमारी वजह से उनको यहां परेशानी हो और वो हमें हाथ लेके सहारा लेके वहां कायम रखे। हम तो पाकिस्तान का और हुकूमत पाकिस्तान का बालू शमशीर दम बन के रहना चाहते हैं, ताकतवर बालू बन के रहना चाहते हैं जिससे उनको तकलीफ पहुंचे, और अगर हम कमजोर हैं तो हम कमजोरी को तस्लीम कर लें। तो इसलिए मैं और फिर मैं सगन साहब शिकायत करते हैं जब कभी अखबार की थे और उन्हें वजाहत कर दी, मैंने भी वजाहत की, शिकायत हमें अखबार के वजूद से नहीं है, शिकायत इस बात से है कि एक रिपोर्टर जो पार्टी बाजी करता है और झूठी रिपोर्ट लिखता है आजाद कश्मीर में बैठकर, उसको 600 रुपयों के साथ शाया किया जाता है। मैं ये पूछता हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं सदर साहब का गिरा, मेरा भी गिरा, मैं ये पूछता हूं
कि क्या आजाद कश्मीर में नजरिया इल्हाक के पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की ठेकेदारी है, इस मुल्क के अंदर किसी और का फर्ज नहीं बनता होता है नजरिया इल्हाक के पाकिस्तान, और हमसे क्या तवक्को रखते हैं ऐसे पाकिस्तान में पूछना चाहता हूँ। इससे ज्यादा कौन माई का लाल कौन जमात मुल्क के लिए कुछ कर सकती है कि हमने वहां तरह तरह हुकूमत पाकिस्तान की किसी मदद के बगैर हमने आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का दिफाई क्या बना के रखा है। हम भारत की पांच रेलवे फौज के मुकाबले में सीने से पर खड़े हैं और पाकिस्तान की तरफ हमारे ऊपर से गुजर कर आ सकती है पांच रेलवे फौज, उसके साथ नहीं आ सकती हमारी मौजूदगी में। इससे ज्यादा और क्या क्षेत्र में आज हमने नजरिए आगे पाकिस्तान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है, इससे ज्यादा हमसे क्या तवक्को रखती है पाकिस्तानी को मुझे बताएं। अगर हमने कोई कोताही की हम उसका अदा करेंगे, लेकिन अगर हम गिना करें तो क्या हमें इस बात का गिरने का भी हक नहीं है कि हमारे साथ इंसाफ न किया जाए। हम नहीं कहते कि पाकिस्तान के अखबार हमारे साथ मिलकर मुखालिफों के साथ पार्टीबाजी करे, हम खत्म नहीं कहते। किसी अखबार को हमने 40 साल में कहा हमें बता दिया, हम माफी मांगेंगे उसके लिए। अगर हम ये तो कह सकते हैं, इसका गिना तो कर सकते हैं, क्या ये हक नहीं हम मांग सकते पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के मुल्क वतन अखबार मुल्क वतन सियासतदान मुल्क वतन कारकुन उनका भी फर्ज है कि वो आजाद कश्मीर में नजरिए आगे पाकिस्तान की हिमायत करें, उसकी तकलीर के लिए काम करें। क्यों ना काम करें मैं पूछता हूँ, क्या उनका हक नहीं है काम करने का? और अगर वो काम नहीं करते, हम काम करते हैं, हमने वो किला फर करके फतह करके दिया है, तो फिर बजाय इसके कि हमारी मदद करें, मदद भी नहीं करते, हमारे साथ दिन का भी तो न करें, ये गिरा भी हम करने का हक नहीं रखते इस मुल्क के अंदर, तो फिर क्या करेंगे मुझे बताइए। मैं ये गिरा जाकर राजीव गांधी से करूं, मैं ये गिरा जाकर वहां पुलजीत नैयर से करूं, तो हिंदुस्तानी अखबार न्यूज से करूं, मैं अपने अखबार न्यूज से गिरा करूं, और गिरने का मुझे हक है, इस पर नाराज होने की कोई बात नहीं। मुझसे कोई कोताही हो जाए मुझसे गिरा करने का जिस तरह इनको हक है, मुझे भी हक है। ये यकतरफा हक किसने दिया? पाकिस्तान के सियासतदानों को, अखबार न्यूजों को, हुकूमत को, कोई यकतरफा हक नहीं हो सकता। यह हक दो तरफा है, उनको भी गिरा करने का हक है, हमें भी गिरा करने का हक है, मगर मुसीबत यह है कि हमारा अखबार नहीं, अखबार उनका है, उनके पास है, वो जो चाहे गधे को इंसान और इंसान को गला बना दे, उठा कर रख दे, कौन मना कर सकता है। मैं तो मुल्क के नाम पर उनसे अपील करता हूं, वो आए बैठे आजाद कश्मीर के हालात देखें, अगर कोई बात कोई सही बात अपोजिशन के हक में हो, हम कभी उनसे कहें कि साहब आप ये गलत हो तो हम बड़े मुजरिम, लेकिन अपने पास से मनगढ़ंत खबरें बनाकर अखबार में लिखना ये इस मुल्क के लिए कहां तक फायदेमंद है, ये किसके फायदे में है मैं पूछना चाहता हूं। ये मेरा नुकसान नहीं है तनाव, और मुझे कोई बहुत मुनाफे नहीं मिले हुए जो मेरे खेल जाएंगे, मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इसी काम पर वक्त की है, जिनके मुनाफे मिले हुए हैं वो छीन सकते हैं, मेरा कोई मुनाफा छीनने वाला नहीं है, मुझे तो कोई देगा कोई अगर तुझे देने वाला लेने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास तो लेगा, तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूं बड़े अदब के साथ, ये मेरा गिरा सबसे है, सिर्फ अखबार से नहीं, मेरा गिरा तमाम लोगों से है, पाकिस्तान में रहने वाले खासतौर पर वो लोग जो सियासतकार है, सियासत करते हैं कि वो अक्सर बच्चों के अपोजिशन है, भाई अपोजिशन अगर कल राम राम पड़ेगी तो उसका साथ देंगे राम राम पढ़ने में, अपोजिशन जहाज बात कहती हो तो जरूर माने, हम नहीं कहते कि हमारे, इसलिए हमारे लिए बड़ा जबरदस्त ये एक लम्हा आ गया है कि हम पाकिस्तान को इस्लाम के मुखालिफों की हिंदुस्तान की देशा दवाइयों का मुकाबला करें, कि हम अपनी अपोजिशन की वजाहत करते रहेंगे आगे, बयान से हमारी मदद करते वहां के देश से, अगर हम गलती कर रहे हैं तो उनका हक है कि हमें समझाएंगे ये तुम गलती कर रहे हो, उसकी इस्लाह का उनके लिए भी तैयार है, तो हम जब इतना हक देते हैं तो फिर उसको इस्तेमाल न करना, और ऐसा साफ सुथ रहना कि आजाद कश्मीर में क्या मतलब है, मुझे इंग्लैंड से, अमेरिका से, स्कैंडिनेविया से, मिडल ईस्ट से, जगह जगह से टेलीफोन आते हैं अखबार पर, ये बताओ मैं क्या क्या मतलब तुम जिंदा हो सलामत हो, क्या हो रहा आजाद कश्मीर में, ये इतनी परेशानी मुल्क के अंदर जो पैनिक पैदा कर हो गया है, भाई इसका कोई खुदा का भाव करें, इसका अदालत है, अगर कोई सही बात है जरूर लिखे, 100 आदमी जरूर निकालते हैं, 50 निकालते हैं तो बस अखबार लिखते हैं 50,000 आदमी, उनको तो हजार ही लगाया 50 के आगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो तो कहा हजार लगा दिया कितना फर्क, अब वो 50 और 50,000 जिले आसमान का फर्क है, और सुनने वाले कहते हैं कि सब पता वहां वाकई ऐसे लोग जमा हुए, तो इतने लोग उनके साथ होते तो इलेक्शन में हमने कोई चोरी किए पक्ष से वोट निकाले, तो बात मेरी गुजारिश है, मुझे इस बात से तकलीफ हुई है, और मैं एक एक जैसा आपके ख्याल में है, अपने अपने ख्याल के मुताबिक जो मुझे घेरने का हक है, जो लोगों को मुझ पर घेरने का हक है, मैं उस बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूं, मेरी और कोई शिकायत नहीं है, और ये होगी या नहीं होगी, हम तो अल्लाह के फजल करम से
जेल बर्दाश्त नहीं है, हम तो अपना काम जारी रखेंगे। मुल्क किसी एक शख्स का नहीं है, किसी एक तंजीम का नहीं है, मुल्क हमारा भी है और हमने इस मुल्क के लिए मुसलसल अपनी सारी जिंदगी कोशिश की है, आज भी हम कोशिश कर रहे हैं। हम इन बातों से नाराज होकर भारत की फौज के लिए रास्ता हमारा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, जो मर्जी कोई करता है, क्योंकि बिना हर फैसला परवरदिगार आलम ने करना है, जो किसी का मोहताज नहीं और किसी का पाबंद नहीं, फैसला उसने करना है। इसलिए हम मुस्लिम कांग्रेस के कारकुनों, आप दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि आप बड़े परेशान न हो, आप अपना काम करते चले, जो आपका काम है करे, सब अपने आखिर हक की होगी, बशर्ते के हक पर चलने वाले लोग मौजूद रहे। आप मैं किताब में लिखने की वजह से फतह नहीं होती, उसको उस पर चलने की वजह से फतह होती है, आप उस पर मुसलसल चलते रहे। फिर इसी तरह हमारे जो तरफ के दोस्त हैं, उन्होंने जो इत्तेहाद किया हुआ, उनको ये बड़ी शिकायत है और होनी भी चाहिए कि बड़े बड़े नाम पर लोग उसके अंदर शामिल हैं और अब आजाद कश्मीर में कोई लोग उनका साथ नहीं दे रहे। अब ये इत्तेहाद मनफी है, मैं इसलिए कहता हूं कि वो कश्मीर की आजादी की बात नहीं करते, वो कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इतिहाद की बात नहीं करते, वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान को कोई पैगाम नहीं देते कि तुम क्या करो, वो पाकिस्तान के साथ यकजहती की बात नहीं करते, वो आजाद कश्मीर के अंदर लोगों की राय को तस्लीम नहीं करते। फिर मुझे बताइए कि लोग किस बुनियाद पर उनका साथ है, वो क्या प्रोग्राम है जिस पर जो लोग उनका साथ है। और आज फिर उन्होंने बड़ा सवाल किया कि मेरे एक भाई हैं, बड़े अजीज और बड़े काबिल एहतराम, लाहौर में रहते हैं, मीर शीर उनका नाम है, उन्होंने एक बैग शेयर किया अखबारात में। ये तो अभी वक्त उनको बताएगा कि ये बैग शेयर किया उन्होंने फायदा किया है, अल्लामा इकबाल का एहतराम बढ़ाया है या एहतराम में कमी करवाई है। मैंने तो कुछ कहा ये नहीं कहा, वो तो मैं अंतरिम अखबार में अपनी सारी पोजिशन वादे करूंगा, लेकिन उन्होंने जो किया है उसका नफा नुकसान क्या खुदा करेगी इसकी उनको समझ आए। और फौरी नुकसान ये हुआ कि आजाद कश्मीर में ऐसे लोग जिन्होंने मैं वसूख से कह सकता हूं, मेरा कोई गैर रास्तों के साथ रहा नहीं, लेकिन उनके तर्ज तरीके मैं कह सकता हूं कि अल्लामा इकबाल की किसी किताब की भी शक्ल उन्होंने नहीं देखी। वो आप कह रहे थे कि हम यौम तहफ़्फ़ुज़ नामों से इकबाल मनाने के लिए चले, बताइए ये सियासत में इकबाल को गठित कर ला रहे हैं। और ये सियासत ऐसी है कि इकबाल खुद बेचारे इलेक्शन लड़ने खड़े हुए तो हार गए थे, ये सियासत ऐसी खराब चीज है कि इसमें ना इकबाल की चलती है और ना किसी और की चलती है, यह सब खराब होते हैं। तो इसलिए ये कोई कारनामा नहीं है। और मेरे दोस्तों से कहता हूं कि इकबाल के साथ हमदर्दी नहीं है कि उनके नाम पर तुम तहफ़्फ़ुज़ नामों से इकबालों को तो खुदा ने तहफ़्फ़ुज़ नामों से रसालत बनाने की तौफीक नहीं दी कभी, तो तहफ़्फ़ुज़ नामों से इकबाल बड़ा हो गया तो नामों से रसालत से, तो ये सब फ्रॉड है जो इकबाल के नाम पर किया जवाब है। एक और साहब ने कहा कि हम 25 तारीख को जो है कार्यालय मनाएंगे, उसको 40 साल के बाद आज कार्यालय याद आया, 40 साल में कभी कार्यालय याद दिया, वो तो हम मनाते रहे, जो है कार्यालय हम मनाते रहे, हम इस साल भी मनाएंगे, अगले साल भी मनाएंगे, मुस्लिम कांग्रेस मनाते रहे, उसको 40 साल याद नहीं आया। आज वो कार्यालयों को सियासत में घुसेर के लाना चाहते हैं, आजाद कश्मीर की बलिया की ये ढाई बोटियों की सियासत में लाना चाहता है। तो ये फ्रांस सारा किस किस के साथ ये लोग करेंगे, खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को, और इससे कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। मैं वसूख से कह सकता हूँ लाख बहादुर क्रम से इसे कोई नतीजा बरामद, और फिर ये भी मैं कहता हूँ अपने मुल्क के लोगों से, अखबार रवीशों से, हुक्मरानों से, सियासतदानों से, कि आजाद कश्मीर में इस बात की तमीज अगर आपने मिटा दी कि गुंडागर्दी क्या है और सियासत क्या है, तो कल आप इसका शिकार हो जाएंगे। हम तो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लेंगे, अल्लाह को फ़ज़्ल करो कि आपका तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं कर सके। गुंडागर्दी को और सियासत को अलग रखना चाहिए, कत्ल भारत को और सियासत को मिलाना नहीं चाहिए। ये मिलाकर इस मुल्क के अंदर शरीफ लोग महफूज नहीं रहेंगे, ये बात मेरी याद रखो। आजाद कश्मीर को तख्ता मश बना के आप समझते हैं आप बच के निकल जाएंगे, आजाद कश्मीर में जो होगा उसका दाम हमारा असर यहाँ पाकिस्तान पर मरतब हो। और इसीलिए आजाद कश्मीर के अंदर जोर लगाया जा रहा है कि वहां ऐसी कानूनी पैदा की जाए कि सब कुछ खराब हो जाए, ताकि अगर पाकिस्तान में उस मश को जारी करने का उनको मौका मिल सके। इसलिए मैं अपने तमाम भाइयों से और अजीजों से ये गुजारिश कर रहे हैं, और आखिरी बात जो मैं गुजारिश करना चाहता हूं वो ये है कि हम आजाद कश्मीर में पाकिस्तान की नजरियाती और दिफाई सरहदा दोनों की हिफाजत कर रहे हैं। मुस्लिम कांग्रेस के कारकुनों, आप सबसे कहना चाहता हूं इसमें कोई परेशान होने घबराने की जरूरत नहीं है, हम हक पर हैं और हक पर अगर हमारा एक एक बोटी बोटी हो जाए, तिनका तिनका हो जाए, तो हमारे लिए सादत है अल्लाह के फजल करम से, इसमें कोई घबराने या परेशान होने की बात नहीं। हम पाकिस्तान के नजरिए
عقیدے اور اس کے طرح کی وہاں حفاظت کرتے رہیں گے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ مسلم خان سب کے جھنڈے چڑھیں, یہ ایشر اور مرحوم کے مشن کے ساتھ اپنے آپ کو پوری طرح وابستہ کریں, نظم و ضبط کو قائم رکھیں. میں خاص طور پر یہ بات آپ سے کہہ دوں کہ بہت بڑی بڑی فوجیں نظم و ضبط خراب ہونے کی وجہ سے تتر بتر ہو جاتی ہے اور گرم بھر ہو جاتی ہے چھوٹی فوج کے مقابلے. ہماری فوج بڑی ہے حالانکہ فوجوں کے ہلکے جذبات بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ مجھ پر جو انہوں نے فائرنگ کروائی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے خود کروائی ہے, تم بھی اپنے آپ پر فائرنگ کروا کے دیکھو تمہاری گاڑیاں زخمی ہو تو پتہ لگے. کیسے موقع تم بھی بندوبست کرو کہ تم پر فائرنگ کرے تمہاری گاڑیوں پر تو سب جاتوں کو کہ کیا ہوتی ہے خود پر فائرنگ کروانی. اور اندھیرے میں جب پتا نہیں ہے کہ گاڑی کس کی ہے اور کس کی نہیں اور بیٹھا کون ہے, اس اندھیرے میں ابراہیم خان اور حیات خان کے بھی اپنی گاڑیوں پر فائرنگ کروا کے اپنے لوگوں سے کہیں فائرنگ کر کے دیکھیں زخمی پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہ ایسا ہی مذاق بنا رہے ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ اس فائرنگ سے ہمارے لوگوں کے جذبات بہت مشتعل تھے, کچھ ہم نے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ہم کیسی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم فوجی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں سیاست کے اندر. ہم اپنے لوگوں پر کوئی ہتھیار اور توپ اور بندوق نہیں اٹھائیں گے, ہم اپنے لوگوں کے ساتھ سیاسی اور اخلاقی لڑائی لڑیں. اور میرا یقین ہے کہ جو اخلاقی اور سیاسی لڑائی کی کامیابی ہے وہ توپ اور بندوق کی کامیابی سے مطلب جہاں زیادہ طاقتور مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے اور بہتر چلنے والی ہوتی ہے. ہمیں خدا تعالیٰ نے آزاد کشمیر میں سیاسی فتح ادا کی ہے, اخلاقی فتح ادا کی ہے. ہمارے سامنے ایک پروگرام ہے, سیاست کا ایک پروگرام ہے, وقتی پروگرام ہے جس پر ہم چل رہے ہیں. ہمیں اپنا سفر ان لوگوں کے ساتھ جاہلیوں کے ساتھ الجھ کر ہمیں کھوٹا نہیں کرنا چاہیے, اپنا سفر پر چلتے رہنا چاہیے.